प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी कच्चे मकानों को पक्का बनाने का प्रावधान है। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सडौली कदीम के गांव सुल्तानपुर में। वहां पर सोनिया वाइफ ऑफ सोमवीर का एक कच्चा मकान 20 वर्षों से था, जो 2 माह पूर्व बरसात में गिर गया है, लेकिन उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए बात करते हैं पात्रों से कि उनको क्या समस्या है। क्या समस्या है आपकी? सर, मैं अपने बच्चों को लिए पड़ी थी अपने कमरे में। कच्चा मकान है सर मेरा, और ऊपर से छत गिरी अचानक से बारिश में, और बच्चे को निकाल ले, फिर खाट भी वहीं पे दब गई, मेरे हस्बैंड की पैर खराब हो गए सर। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले सर, ये 10 साल से है, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से मेरा कच्चा मकान है पक्का क्यों नहीं बनाया आपने? सर। वो कमज़ोर से हैं, बीमार रहते हैं ज़्यादातर, और बच्चे, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का गुजारा भी करना होता है। क्या आपने सरकार से मदद नहीं मांगी? जी मांगी सर, किसी ने कुछ भी नहीं किया सर। पटवारी भी आया था सर, वो भी कह के चले गए कि जब ऊपर से आएंगे तो करेंगे, जब आ ही नहीं रहे तो कहाँ से करेंगे सर। प्रधान भी आके चले गए, फोटो खींचते हैं, सब चले जाते हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मकान गिरने के बाद कोई सरकारी विभाग से आया था आपके यहाँ? जी नहीं, पटवारी नहीं आया था? पटवारी नहीं आया सर, एक बार आया था। हाँ सर, एक साइन करके लेके गए वो। आपके साइन कर जी, क्या कहा उन्होंने? वो बोल रहे थे कि हो जाए, बता देंगे। हमने फोन के द्वारा ग्राम सचिव सौरभ से फोन पर बात की और सौरभ ने कहा कि इनका मकान जल्द ही जो नई योजना आएगी उसमें बन जाएगा। मैं सुरेश गौतम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, सामुदायिक संवाददाता, इंडिया अनहर्ट के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि समस्या का समाधान हो सके।